आज ही के दिन सन 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं और कुल 400 यात्रियों ने इसमें सफर किया था। आज एक दिन सन 1889 में मूक फिल्मों के दौर के सबसे बड़े फिल्म निर्माता, अभिनेता, कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब मानवता कराह रही थी, तब चार्ली ने 26 भाषाओं में अपनी मूक हास्य फिल्मों से लोगों का गम भुलाने में मदद की। आज एक दिन सन 1919 में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा की थी। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्ते भारतीयों को मार डाला था और हजारों लोग घायल हो गए थे। सन 1964 में आज ही के दिन सबसे बड़े और बहुचर्चित अपराध के रूप में शामिल द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 12 लोगों को 307 साल की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने अगस्त 1963 में ग्लासगो से लंदन जा रही एक ट्रेन को बंधक बनाया और उस ट्रेन से 26 लाख पाउंड के नोट लूट लिए थे। और आज ही के दिन सन 1978 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ था। वर्ष 2000 में लारा ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। लारा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म अंदाज से की थी। लारा ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया जिनमें मस्ती, नो एंट्री, काल, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल और चलो दिल्ली शामिल है। और आज एक दिन सन 1995 में 12 साल के सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल मसीह को पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी। 4 साल की उम्र में इकबाल को बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया गया और जब 10 साल की उम्र में इकबाल को अपने अधिकारों के बारे में पता चला तो इकबाल ने न सिर्फ खुद को उस कारखाने से आजाद किया बल्कि अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी बाहर निकाला। इसके बाद इकबाल ने एक गैर सरकारी संस्था की मदद से स्कूल में दाखिला लिया और बाल मजदूरी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी।